हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे इसमें 70 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 से इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, 71 क्या बोल रहे हैं और सिंपल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला है, एक अध्यापक अपने विद्यालयों को एक बराबर संख्या में, ठीक है, बराबर संख्या में पंक्तियों और कॉलम में रखना चाहता है, ठीक है। यदि विद्यालय की कुल संख्या 1369 है, ठीक है, तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी है? मतलब यहाँ पे पहली बात तो हर कॉलम में बराबर है, तो अंतिम पंक्ति हो चाहे पहली पंक्ति हो, तो वो तो सब में इक्वल रहेंगे। तो हम विद्यार्थियों की संख्या निकालें एक पंक्ति में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, जितने कॉलम है उतने ही प्रत्येक कॉलम में विद्यार्थी हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, मतलब 1369। एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1369। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो एक बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, रूट लगा देंगे 1369। और 1369 कितने का वर्ग होता है, ये सबसे पहले हमें निकालना चाहिए। तो 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 9 के केस में दो चांसेस बनते हैं हमारे पास, या तो 3 या फिर 7। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये तो हो गया, इनका तो काम हो गया। 13 को देखते हैं कहाँ आता है, 3 त्रिकोण 4 चौक 16, तो 3 हमारा फिक्स है। या तो एक्स इज इक्वल टू हो सकता है हमारा 33 या हो सकता है कितना 37। तो यहाँ पे 33 या 37 में से कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला नंबर है 3 वाला, 3 को क्या करेंगे, एक बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौक 12, 12 से ये बड़ा है, 12 से ये बड़ा है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर ये 12 से छोटा होता तो हमारा आंसर होता 33, लेकिन यहाँ पर 33 नहीं 37 आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 72 की, और 72 की कहानी देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करनी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, 72 ने बोला क्या है। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है, यदि 3 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग उनके उन संख्याओं के वर्गों के योग से 292 अधिक है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को अगर हम सीधे रास्ते से जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, बाई ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। बाई ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो देख लें। 3 क्रमागत संख्या लगातार है, 3 4 5 हो सकती है, 4 5 6 हो सकती है, 6 7 8 हो सकती है, 9 10 11, ठीक है। उसने बोला प्राकृतिक संख्याओं का योग का वर्ग, मतलब पहले तीनों संख्याओं के योग का वर्ग। तो मैंने मान ली एक x है, एक y है, एक z है, तीनों संख्याओं के योग का वर्ग बोला है। और क्वेश्चन ने अंग दिया है कि उनके वर्गों के योग से कितना अधिक है, 292 अधिक है। तो मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है एक्स स्क्वायर अलग अलग प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 292 का है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे तीनों संख्याओं में क्वेश्चन ने पूछा है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब ये बड़ी संख्या जेड वाली होगी, इस क्योंकि लगातार है ना, 3 4 5 5 6 7 हो सकती है, 8 9 10 भी हो सकती है। अब जेड की वैल्यू दी गई है हमें ऑप्शन में, ऑप्शन है मेरे पास 4। अब चारों बाई ऑप्शन से जाएंगे, इस केस में अगर आप नॉर्मल सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, वो तो बेकार ही है बिल्कुल, ठीक है। बाई ऑप्शन अगर हम बाई ऑप्शन फोर्थ वाला देखें, ठीक है, अगर हम फोर्थ वाला देखें तो यहाँ पर जेड की वैल्यू हो जाएगी 8, अगर इसकी 8 है तो वाई कितना हो जाएगा, 7, सीधी सी बात है, एक्स कितना हो जाएगा, 6, तो 6 7 8 होता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, फिर सेटिस्फाई कर लेते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 292 को आ रहा है या नहीं, तो देखते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे सबसे पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 6 12 12, मतलब 13 है, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21, 21 का वर्ग कर देंगे, 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 441, ठीक है। इसकी तो कहानी ख़त्म, इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितने का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है मेरा, 6 प्लस 7 प्लस 8, ये हो गया, इसका वर्क कर लिया मैंने। यहाँ पे अलग 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 करना है, तो 6 का वर्क कितना हो जाएगा, 6 6 36 प्लस वाई कितना है मेरा, 7 7 7 49 प्लस जेड कितना है मेरा, 8 8 8 64। इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। तो 6 और 4 10 और 9 19 की 9 एक कैरी,
तो कितना हो, 6 और 4 10 और 3 13 और 14 मतलब 149। एक काम करते हैं 149 माइनस कर लेते हैं, तो इसमें से अगर हम 149 माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना बचता है। अगर हमारा इतना बचता है तो मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं, यहाँ देखेंगे एक में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और मतलब 11 में से 9 गए तो बचे कितने 2। यहाँ बचे 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो एक कैरी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, 13 में से 4 गए तो बचे कितने 9। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, तो 292 मतलब वेरीफाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 6 7 8 है, मतलब जो सीरीज है संख्या की वो कितनी है 6 7 और 8 है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप चारों ऑप्शन को भी चेक करोगे तो भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर नॉर्मल मेथड से हम कंपेयर करें तो। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, इजी है, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, और 73 देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा क्या बोल रहा है। तो दो संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 7.5, तो दो संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। 7.5 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 150, मतलब 15 क्या निकल के आ गया, उन दोनों संख्याओं का क्या है ये योग निकल के आ गया। ठीक है, औसत में संख्याओं का गुणन हो जाता है तो योग बन जाते हैं। आगे देखते हैं, और उनके गुणनफल का वर्गमूल, और उनके गुणनफल का वर्गमूल दे रखा है 6, और उनके गुणनफल, तो मतलब मैंने संख्या मान ली x इंटू वाई, और उनके गुणनफल का वर्गमूल हमें दे रखा है कितना 6। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटा देंगे, इधर स्क्वायर बन जाएगा, रूट हटा दो ऐसे ही, और इधर बना दो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब हो गया 6 6 36। तो हमें ये पता चले कि x इंटू वाई है 36 और उनका योग है कितना 15। ये क्या है मेरा, ये एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो योग निकल के आ गया 15, और अगर गुणा करने पर देखें तो 36। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो नॉर्मल मेथड से चले जाओ या थोड़ा सा माइंड यूज़ कर लो। अगर माइंड यूज़ कर पाओ तो फिर इसे ऐसा तोड़ दो संख्या में जिससे क्या हो जाए, उन दोनों का योग हो जाए 15 और गुणा करने पर हो जाए 36। तो कितना हो सकते हैं, 7 9 6 36, 9 और 4 नहीं हो पाएगा। ऑप्शन में देख लेते ना, ऑप्शन में बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन हमें दिए गए तो 12 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सीधी सी बात है, 12 36 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो दोनों सेटिस्फाई, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा 12 और 3 हमारा क्या होगा आंसर, समझ गए। तो यहाँ पर क्या भाई, ऑप्शन में बहुत ईजी है, अगर 13 2 26 हो रहा है वो तो है ही नहीं, 9 6 54 हो रहा है वो भी नहीं है, 10 5 50 हो रहा है वो भी नहीं है, भाई गुणा करने पर कितना आना चाहिए 36, वो हमारा आंसर होगा। नोट कीजिएगा फटाफट से। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 74 की, और 74 की कहानी देखते हैं क्या दिया गया है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा क्या बोल रहा है। 74 ने बोला है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 17 28 में जोड़ी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या ऐसी जो कि 17 28 में जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो 17 28 पूर्ण वर्ग बनाना है तो सबसे पहले डिवाइडिंग मेथड आना चाहिए, तो सीधी सी बात है 17 28 लिख लेंगे हम, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, 17 28 में जोड़ना है, तो जोड़ना है तो दो दो के पेयर, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये किसके वर्ग के आसपास है। ठीक है, तो 4 4 16 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 16 के बाद बचा कितना 1 बचा, 28 नीचे उतार लेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 के बगल में ऐसी संख्या जिससे इससे ज़्यादा ना जाए तो 1 ही आ पाएगा, तो यहाँ पे 81 एकम 81 हो जाएगा। माइनस करेंगे बचेगा कितना, यहाँ पे 7 बचेगा, 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अभी एक और बार जा सकता है कि 81 और 82, तो मतलब अब तो जाएगा नहीं डिवाइड, अगर डिवाइड नहीं जा रहा है क्योंकि 82 इधर आ जाएगा तो डिवाइड तो नहीं जा रहे, अब क्या कर सकते हैं भाई, ये तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे ये 47 यहाँ पर एक्स्ट्रा 41 का है, लेकिन क्वेश्चन घटाने की नहीं बोल रहा, अगर क्वेश्चन घटाने की बोलता तो हम 47 घटा देते, लेकिन क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन ने बोला जोड़ी जाने वाली संख्या, तो सीधी सी बात है हम इस एक को उठाकर ना सीधे 82 का कर ले, कम ना करके हम एक ज़्यादा देख ले। ठीक है, तो 42 का वर्ग हमें पता चल जाएगा, तो यहाँ पे करना है 2, क्या करना है 2, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं जिससे पता चल जाए, 2 2 4 हो जाएगा,
दो आठ सोलह हो जाएगा। तो देखते हैं माइनस करेंगे, आठ में से चार गए चार बचे, माइनस नहीं अंतर देखना है मतलब, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है, ये मत देखना छोटी बड़ी। डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 164 में से 128 माइनस करने, ठीक है 128 माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गए, बचे कितने 6, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा यहाँ पे 5, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, तो मतलब 36 जो इनके बीच में अंतर है वो कितने का है भाई, 36 का अंतर है। अगर मैं 36 इसमें जोड़ दूँ, 128 में 36 जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये वर्ग कितने का बन जाएगा, 42, मतलब ये 42 का वर्ग बन रहा है कब, जब इसमें 36 और जुड़ गए। तो जोड़ेंगे कितनी संख्या भाई, 36 जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, तो 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िएगा, क्वेश्चन ने बोला है किसी धनात्मक संख्याओं का 21 गुना उसके वर्ग से 100 कम है, मतलब किसी धनात्मक संख्याओं का 21 गुना उसके वर्ग से, 21 गुना उसके वर्ग से, उसके वर्ग से तो मतलब वर्ग बड़ा होगा, माइनस कर देंगे 21 गुना उस संख्या का और कितना अधिक है भाई, 100 अधिक है, कितना अधिक है 100 अधिक है। आगे बोला 100 कम है या अधिक है या ज़्यादा है, वो वही सेंटेंस बनेगा। तो उस धनात्मक संख्या का मान क्या होगा, अब यहाँ पे संख्या का मान रखना। अब देखो दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 100 इधर लेके आओ, ठीक है तो सॉल्व कर लो, या फिर एक काम कर सकते हो भाई ऑप्शन से चले जाओ, x की वैल्यू पहला ऑप्शन रख लेते हैं, तो पहले ऑप्शन में दिया गया है 25, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, माइनस कर देंगे 21 × 25, अगर इक्वल टू 100 आता है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, मतलब आंसर होगा 25। तो 625 तो 625 ही हो गया, 25 एकम 25 की 5 दो कैरी, 25 दुनी 50 और दो 52 बराबर नहीं है, माइनस है, ठीक है। अब देख लेते माइनस करके, 5 में से 5 गए तो 0 बचे, 2 में से 2 गए तो 0 बचे, 5 6 में से 5 गए तो 1 बचा, मतलब ये इसके बराबर हो गया, मतलब वेरीफाई है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ गए, ये हमारा आंसर है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, 76 में क्या दिया गया है, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, 76 में क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से सॉल्व करना है देखते हैं। किसी सेना के जनरल ने 3656 टू सैनिकों से एक वर्गाकार समूह बनाना चाहता है, ठीक है। अब उसने बोला है कि रचना करने के बाद में सैनिक बच गए, कुछ मतलब वर्गाकार समूह बनाने के बाद में कुछ सैनिक बच गए। क्वेश्चन ने पूछा उन सैनिकों की संख्या क्या थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 36562 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पेयरिंग कर लेंगे तो यहाँ पर पेयरिंग करेंगे तो 1 × 1 = 1, बचा कितना 2 एंड 65 नीचे आ जाएगा, 65 नीचे उतारेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई कितने का कर दूँ भाई 8 9 का, एंड यहाँ पे 25 करूँगा तो 25 पंजे 125 कम हो रहा है 9 का, कर कर देखते हैं 9 से क्या होता है, 9 × 9 = 81 की 1 8 कैरी, 9 × 2 = 18 कितना हो जाएगा 26, तो मतलब 261 बचा कितना मेरे पास 4 बचा। अब क्या करेंगे 62 नीचे उतारेंगे तो 462 यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद 2909 जोड़ देंगे, 9 × 9 = 18 मतलब 38। अब इसके बाद में एक डिजिट यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ओनली 1 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा 381 हो जाएगा। माइनस करने पर देखते हैं कितना बचता है यहाँ पर, ठीक है तो माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 6 में से नहीं जाए तो 1 कैरी लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 8 बज जाएगा, और उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं, तो मतलब 81 हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। ये क्या है मेरा एक्स्ट्रा है, यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ने यही पूछा था कि बचे हुए सैनिकों की संख्या, तो कितना हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है, आपको मेथड आना चाहिए, बाकी सॉल्व तो आपको खुद ही करना है। नोट कीजिएगा फटाफट,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और अब तो लाइक कर दो भाई, लाइक नहीं करोगे गंदी बात होती है ना, इसलिए लाइक कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, क्वेश्चन ने बोला है 16800 में से कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 16800 है मेरे पास, 16800 इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो दो दो के पेयर कर ले, एक बचा, वन बन जा वन हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा, 68 आ जाएगा, 68 को डिवाइड कर देना, वन और वन टू हो जाएगा, यहाँ पे एक संख्या, यहाँ पे एक संख्या, अगर मैं तीन रखूँगा तो तीन तिरका नौ हो जाएगा, तीन दुनी छः हो जाएगा, ज़्यादा बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कम लेना है, तो कितना ले लूँ, टू ही ले लूँ, तो टू से ही काम, 22 दुनी 44 बचेगा कितना यहाँ पे, 8 में से 4 गए 4, 2, अब क्या करेंगे, 2 जीरो नीचे उतार लेंगे, अब यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे, 22 और 2 24 हो गया, 24 के बगल में कोई संख्या ले लो, इसके बगल में कोई संख्या ले लो, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये दिया गया मुझे 24 और ये दिया गया 24, कितनी बार जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है, तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 5 लेकर देखें, या 9 ही लेते हैं, ठीक है, 9 से देखते हैं कितना आ रहा है, 9 9 81, 8 कैरी, 9 6 36 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, तो 9 9 18 19 20 21 22, तो मतलब कितना हो गया 22 हो रहा है यहाँ पे, तो अब क्या करते हैं माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करेंगे, क्वेश्चन जोड़ने की बोल रहा है घटाने की बोल रहा है, ये देखो, तो इसमें से कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे क्या हो वहाँ एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यहाँ तक जो है 129 का तो वर्ग बन गया, माइनस करके देखते हैं, 10 में से एक गया 9 बचा, यहाँ पे 9 में से 4 गए 5 बचे, 3 में से 2 गए 1 बचे, बस मतलब ये 159 मेरा बच रहा है, ठीक है, कितना बच रहा है 159 कितना बच रहा है मेरे पास 159 एक्स्ट्रा पार्ट है, तो यही हमसे पूछा है, अगर मैं इसे, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है जिसे हम घटा दें तो वो क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो इसे घटा देंगे तो हमारा जो वर्ग बनेगा कितने का बनेगा, 129 का वर्ग बन जाएगा, ठीक है, जब हम इस वैल्यू को इसमें से घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 159 हमारा आंसर होगा, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की कहानी सीख लेते हैं, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, क्वेश्चन ने बोला है 709 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे क्या हो जाए कि एक पूर्ण जोड़ी जाए जिससे एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो देखो 709 है, अब 729 होता है कितने का वर्ग, भाई 27 का वर्ग कितना होता है जल्दी बताओ, 27 के वर्ग की बात करूँ तो वो कितना होता है 729 होता है, तो क्वेश्चन ने बोला है 709 कितना बोला है 709 बोला है, तो क्वेश्चन ने बोला है 709, तो इसने बोला है 709 में कौन सी संख्या जोड़ दूँ जिससे एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि 27 का वर्ग होता है 729, अब क्या करेंगे इसमें कितना जोड़ दूँ, अगर मैं 21 जोड़ दूँ तो बताओ जी बन जाएगा क्या, 21 जुड़ेगा कितना जुड़ेगा 9, 21 नहीं, यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा 9 तो 9 ही रहेगा, 20 कितना ऐड हो जाना चाहिए 20, अगर मैं इनमें ऐड कर दूँ 20 तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो मतलब ये है कि अगर मैं 20 इसमें ऐड कर दूँ तो हमारा 729 वर्ग बन जाएगा, ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है 20 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, अगर आप इसका वर्ग निकालना चाहते हो तो वर्ग निकालने के लिए 7 7 जा 49 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड 7 दुनी 14 दुनी 28 हो जाएगा, सिंपली ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं करा चुका हूँ आपको बेसिक वीडियो में सारी चीज़ें, तो फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 508 की ओर, क्वेश्चन की ओर 508 की ओर, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा है 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला है 508 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे क्या हो जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 508 में मुझे जोड़ना है, तो 508 में मुझे जोड़ना है तो इसके पास में एक वर्ग होता है और वो कितना होता है 500
29 होता है, और 529 कितने का वर्ग होता है, 23 का वर्ग होता है, कितने का होता है, 23 का वर्ग। जब 529 इसके पास में, तो सीधी सी बात है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना जोड़ दूँ यहाँ पे, अगर मैं इसमें कितना जोड़ दूँ जिससे कि 29 के बराबर हो जाए, 529 के बराबर, 5 तो 5 है दोनों में, 8 माइनस कर दो तो मतलब 21 अगर मैं जोड़ दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 21 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 21 बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 80 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, सारी वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 ने बोला है एन के किस मान, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 270n 270n, ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन ने बोला एक पूर्ण वर्ग होगा जहां 270n एक चार अंक की संख्या, सीधी सी बात है चार अंक की तो है ही है, उसमें बोलने वाली क्या बात है। अब यहां पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सीधी सी बात है पूर्ण वर्ग है तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो दो दो के पेयर कर लेते तो कितना हो जाएगा, 25, 25 बचा, कितना मेरे पास, दो बचा। अब दो के बाद जीरो है, फिर एन है, अब क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 5 और 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या, छोटी से छोटी ले लो भाई, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक लूँगा तो 101, या फिर दो ले लूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 20, तो हम अगर देखेंगे 2 के स्थान पर 2 लिखा हुआ है, 0 के स्थान पर 0 है, तो मतलब n के स्थान पर कितना हो जाएगा, 4, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, बस आपको इतना ही करना है, तो n इज इक्वल टू 4 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, 81 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, 2505 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे एक वर्ग बन जाए, और कुछ नहीं, 2505 के आसपास एक वर्ग देख लो भाई, या तो आप डिवाइडिंग मेथड से कर लो, या फिर आप ये देख लो 2500 भाई, यहाँ के पास में जो वर्ग होता है वो कितने का होता है, 50 का वर्ग होता है, ठीक है। 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 50 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो होगा 2500, 25 और 20 की 20 चिपका दी, 2500 होता है, लेकिन 2500 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो मतलब 51 का वर्ग होना चाहिए, तो 51 का वर्ग हमें निकालना आना चाहिए, तो 51 का करेंगे तो 1 1 जब 1 हो जाएगा, एंड 25 हो जाएगा, 5 1 5 और कितना हो जाएगा, 1062, तो 2601 हो रहा है, तो मतलब ये कि 51 का होता है 2601, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ दूँ, इसमें इसे मुझे बनाने 2505 को 2601 बनाना है, तो इसे बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 5 तो उधर है मेरे पास पहले से ही, और यहाँ पर 1, तो एक काम करते हैं, 90 हमारा कितना हो जाएगा, 95 और 196, तो हमें 96 ऐड करना होगा, तो कि ऑप्शन नंबर 4 है। इस संख्या को मुझे लेकर आना है एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके पास, क्योंकि 2500 तो हो नहीं सकती, 2500 हमें पता है, ये तो कम से कम पता ही होगी, तो इसका नेक्स्ट वाला हमने फाइंड आउट किया तो 2601 आया, तो इसका मतलब 2505 में मैं कितना जोड़ दी जिससे ये बन जाए, और ये अगर बन जाएगा तो वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, सीधी सी बात है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस 96 ऐड करना पड़ेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए, 96 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की कहानी देखते हैं, क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए जिससे वहाँ एक वर्ग बन जाए, तो सीधी सी बात है भाई, 5000 को हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है, तो 2 से भाग दे दो, क्योंकि 2500 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 2 4 2 5 10 2 0 2 0, और ये वर्ग बनता है जी, बिल्कुल वर्ग होता है, कितने का होता है जी, 50 का वर्ग होता है, तो अपना काम बन गया, तो मतलब किससे भाग दे दूँ मैं, 2 से भाग दे दूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करते हैं आसानी से सॉल्व कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं।
83 में क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू दिया 0.1 प्लस 0.01, m की वैल्यू दी गई है 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो m इक्वल टू पहले हम निकाल लेते हैं, m की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये तो 0.1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई 0.01 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 0.1230, ठीक है, 1230 एंड 1, ये हो जाएगा हमारे पास, ये इसकी वैल्यू आ गई m की, तो इसे प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे रख देता हूँ मैं 0.01 एंड इसके नीचे हो जाएगा 0.1231, तो इसे रफ कर देते हैं, तो मतलब ये तीनों वैल्यू मैंने एक ही के पास में रख ली, ठीक है। प्लस करेंगे 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और ये कितना हो गया, 1 हो गया एंड पॉइंट 0 हो गया, ये तो m की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट कर लेते हैं n की वैल्यू, तो n हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखिएगा 0.3 प्लस 0.03 का स्क्वायर प्लस, एंड मेरे पास है 0.003 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे स्क्वायर कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0.3 रहेगा, इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.00339, ठीक है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे करेंगे थर्ड वाले को तो 0, 1, 2, 3 है तो मतलब 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 3 3 9 हो जाएगा, फाइनल प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरे पास m n की वैल्यू भी आ गई, जब n की आ गई m की आ गई, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है m प्लस n क्या होगा, तो m प्लस n करना है, ठीक है, तो कर देते हैं। m कितना है मेरा 0.1101, ठीक है, यहाँ पर ये कितना है मेरा 0.3009 इसे प्लस कर लेना है, तो प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड फिर 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, पॉइंट 0 हो जाएगा, तो यह हमारा आंसर होना चाहिए। तो कितना है 0.411009, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैं m, तो ये है मेरा m और n, तो दोनों को प्लस कर लिया, प्लस करने पे आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता टाइप फर्स्ट फिनिश, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइप के साथ सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, चलता हूँ।